हेप्टाथलन जो होता है सबसे ग्रूलिंग इवेंट होता है, आपने कहा मैं अपना बेस्ट देने आई थी, आपने 6000 वाला मार्क ब्रीच किया, ये कितना स्पेशल है आपके लिए, पहली बार आपने किया है? मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि और इंडिया के लिए भी बहुत स्पेशल है कि फर्स्ट टाइम गोल्ड आया है इंडिया में, और वही हेप्टा में, अभी तक हेप्टा में कभी गोल्ड आया नहीं, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है ये और इंडिया के लिए भी। और हम सबके लिए जो यहाँ पे आपको चीयर कर रहे थे पिछले दो दिन के लिए, ये मुझे बताइए इंडिया में सब पूछ रहे क्या हो गया स्वप्ना को, यहाँ पे आपने पट्टी बांध रखी है, आप बताइए अच्छे से क्या हुआ? जब मैं इंडोनेशिया में आई थी उसके बाद इधर इन्फेक्शन हो गया और उसी के लिए ये लगाई, और इसमें बहुत उसके बाद मेरा जब ये इन्फेक्शन हुआ था उस मतलब यही दो तीन दिन पहले तो बहुत दर्द हुआ था, उसके लिए मुझे बुखार भी आया था, तो बस वो इन्फेक्शन के लिए लगाई थी। बहुत बड़े बड़े एथलीट रहे हैं इंडिया में जिन्होंने एशियन गेम्स आए हैं, हेप्टाथलन में मेडल लेके गए हैं, लेकिन आपने आज गोल्ड लिया है, आपको लगता है ये आपको एक अलग मोटिवेशन देगा जो बड़े टूर्नामेंट्स है, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आप क्वालिफाई किए थे, एशियन चैंपियन भी उड़ीसा में बने थे आप? हाँ, लास्ट एशियन चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड आया था और उसके बाद इंजरी स्टार्ट हो गया मेरा, तो उसके लिए मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में भी नहीं पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इंजरी था तो कैसे करती, तो मैं सोचा कि अभी जो भी होगा एशियन गेम्स में करेंगे।